तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही का रेड़ू, दही का पलदा, या इसे छोंक या तड़के वाला दही भी कहते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर होता है। प्याज हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो ये इस कोरोना वायरस के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसे आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इस गर्मी के मौसम में भी बहुत लाभदायक है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है 2-4 बड़े आलू, जिसे मैंने छील के रख लिया है, 2 प्याज और कुछ हरी मिर्चें मैंने इसमें लंबी लंबी काटने के लिए ले ली हैं। ये देखिए मैंने आलूओं के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और प्याज मैंने लंबा लंबा काट लिया है और मिर्ची मैंने बीच में से कट करके रख ली है, जिससे कि स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसका। अब ये देखिए, ये मैंने लिया है 3 से 4 कटोरी दही। इस दही को हम लस्सी बना के रख लेंगे। इसमें 1 से 1.5 गिलास आप पानी डालिए और थोड़ा सा हल्का गाढ़ा रखिए इसको, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, जिस तरह हम लस्सी रखते हैं उसी तरह आप इसे रख। तो आइए अब हम देखते हैं अपने मसाले। मसालों में मैंने सबसे पहले साबुत धनिया लिया है, जो कि इस पलदे का स्वाद और ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक लिया है और 1.5 चम्मच हल्दी, जो कि बिल्कुल आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और जीरा लिया है, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है। हल्दी, जीरा और साबुत धनिया, ये सभी आयरन का स्रोत होते हैं और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं, तो इन सब का डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए इस मीडियम कढ़ाई का यूज़ किया है, जिसमें मैं अपने अंदाजे से 1 कड़छी तेल डाल रही हूँ। आप कोई भी तेल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और ध्यान रखिए जब तक कि तेल धुआं ना छोड़ दे, आप इसमें अपना कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए अब हमारा तेल जो है वो धुआं छोड़ गया है, तो इसमें मैंने जो साबुत धनिया और जीरा लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए हल्का हल्का, इसको मैं करछी से हिलाती रहूंगी। ये देखिए ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर जो मैंने लंबी लंबी हरी मिर्ची हैं वो मैं अपनी ऐड कर दूंगी इसमें, जो कि एक जायका ही बदल देता है। तेल के अंदर हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। उसके बाद जो मैंने लंबे प्याज करके रखे थे वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। देखिए सारे प्याज अब अपने एक साथ ही ऐड कर दीजिए। प्याज दोस्तों फॉलिक एसिड से भरपूर होता है, जो अगेन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें शक्ति देता है। और दही विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये देखिए अब इस तरह इसको नीचे ना लगने दें, धीमी आंच पर आप इसे सिम करके आप इसको करेंगे। ये देखिए आप इसका रंग किस तरह, प्याज का रंग कैसे बदल गया है, प्याज हल्का हल्का अपना पानी छोड़ रहा है। तो अब फ्रेंड्स मैंने जो अपना मसाला ऐड रखा था वो मैं सारा इसके अंदर अब ऐड कर लूँगी। ये सारा आप इकट्ठा ही ऐड कर सकते हैं, जिसमें मैंने अपना हल्दी और नमक ऐड किया है। हल्दी और नमक से क्या होगा कि आपका प्याज जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ देगा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर घर में कोई भी सब्ज़ी आपकी नहीं है तो आप सिर्फ दही, आलू और प्याज, जो कि हर घर में पाया जाता है, उससे आप बहुत ही टेस्टी चीज़ डिश बना सकते हैं। ये देखिए अब मेरे जो बारीक कटे हुए आलू थे वो मैंने अब ऐड कर दिए हैं अपने मसाले में। इसे आप थोड़ी देर करछी से घुमाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसको करछी से, ताकि जो भी मसाला है हमारा वो इसमें पूरी तरह से रच जाए, थोड़ा सा मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स आलू वैसे भी सब्जियों का राजा होता है। आप किसी भी डिश में आलू को ऐड करेंगे तो उस सब्ज़ी का स्वाद ही बदल जाएगा। दही में या कढ़ी में या आप किसी भी सब्ज़ी में आलू को ऐड करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। आलू की बहुत सारी डिशेस होती हैं, आलू बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी आप देखिए आलू जो है वो हमने छोड़ दिया है, इसमें हम आधे गिलास से भी कम हम इसके अंदर पानी डालेंगे, और क्योंकि आलू जो है हमारा उसे हमने मैश करके ही दही में डालना है, उसी से हमारा असली जो पलदे का स्वाद है वो आएगा। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया, और थोड़ी देर में ही बस हम चेक करने वाले हैं कि हमारा आलू कितना गला है, क्योंकि हमें एंड में इसको मैश करना है। तो आइए हम देखते हैं।
सबसे पहले थोड़ा सा इसको आप घुमा के देखिए, क्योंकि कई बार ऊपर ऊपर के आलू कच्चे होते हैं। तो मैं इसको देखती हूँ और करछी लगा के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे इसको 5 से 10 मिनट, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे इसे थोड़ा सा और ढक्कन लगा के रखना पड़ेगा। गाइस आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके आलू थोड़े से नीचे लगने लग गए हैं तो इसमें आप थोड़ा सा आधे गिलास से भी कम पानी डालकर इसको फिर से आप पकने के लिए छोड़ सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरे आलू जो हैं वो गल चुके होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे इसको मैश करना है। तो मैश करने के लिए आलू बिल्कुल गला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत ही आसानी से आलू जो है वो कट रहा है करछी से, इसका मतलब कि आलू पूरी तरह। एक ही डायरेक्शन में करछी को घुमाना है, अगर आपने दूसरी डायरेक्शन में घुमाया तो वो जो कढ़ी जो हमारा बैटर है वो हमारा फट सकता है, जो हमारी दही है वो फट सकती है, वो थोड़ा पनीर जिस तरह पनीर जैसे छूटता है वो उस तरह का हो जाएगा। इसको आप एक ही डायरेक्शन में करछी को घुमाएंगे गोल गोल। और प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि आपकी गैस बंद हो, गैस को हमने चलता हुआ नहीं छोड़ना, हमने बंद गैस में दही को ऐड करना है। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी होता है। सर्दियों में आप इसे मक्की की रोटी के साथ खा सकते हैं, गर्मियों में जो कि हम नमकीन चावल घर में आजकल गर्मियों में बनाते हैं, या फ्राइड राइस बनाते हैं, या किसी भी सब्जी के साथ इसको साथ में आप एक एडिशनल तरी वाली सब्जी के अकॉर्डिंग रूप में आप ले सकते हैं इसको। गाइज आप हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको हमारी इस तरह की वीडियो किस तरह कैसी लग रही है, और भी वीडियोस, और भी टेस्टी और किफ़ायती वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखनी है। और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ ना भूलिए। इसी तरह की और भी किफ़ायती मैं डिशेज़ आपके लिए लेके आऊँगी। तो आइए अब हम इसको, मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने इसे सर्व किस तरह किया है, सर्व करने के बाद इसका रंग किस तरह का आया है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हो गई है, और ये इस तरह मैंने एक बाउल में डाल के रख लिया है। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए आप रख देंगे, ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अपनी ही हीट से कहीं ऐसा ना हो कि दही फट जाए। तो इसको आप ठंडा होने के लिए एक साइड में रख सकते हैं, हल थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। सो गाइज आप इसी तरह की हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।